ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुशकिस्मती है कि जावेद मिर्चाल साहब जैसे लीडर जो आवाम के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका अपने वोटरों के साथ, लोगों के साथ एक करीबी रिश्ता बना हुआ है, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। ये इस तरफ भी इशारा करती है कि लोगों का रुख किस तरफ है। बड़ी बात ये है कि जावेद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए ज़रूर, लेकिन कोई शर्त नहीं रखी उन्होंने, किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं हुई। जब मुझसे मिले तो सिर्फ और सिर्फ करना के लोगों की बात की, करना के लोगों के जो मसाइल हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है, इस सब चीज़ को लेके उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इलाके की तरक्की होनी चाहिए, इलाके की सही मायने में नुमाइंदगी होनी चाहिए और लोगों के मसले हल होने चाहिए। हमने इन्हें यकीन दिलाया है और अशोर किया है कि अल्लाह ने चाहा और अक्टूबर के नतीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो ज़रूर जितने भी मसले मसाइल करना के हैं, इनके हाथ मजबूत करके हम वो मसले हल कर देंगे। अब अनाउंसमेंट हुए, अब दो दिन भी नहीं हुए, मैं थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ना, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को नोटिफिकेशन जो है पहले फेज की जारी होगी, हम अपने उम्मीदवार जो है उसके बाद मैदान में उतारेंगे और कामयाबी की उम्मीद रखेंगे। सर, बीजेपी ने आपके ट्वीट में कहा है कि आप और कॉन्फिडेंस है, पहले इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद नतीजे जो है। ओवर कॉन्फिडेंस का एक नया ही मिसाल बीजेपी वालों ने कायम की। 400 पार किसने कहा? मैंने तो नहीं। 400 पार का नारा बीजेपी का था, फिर 370 की बात की, गाड़ी उनकी कहां जाके रुकी? 240 पे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी ना ही करें तो बेहतर है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा और हुकूमत करने का जो है हमें एक मौका मिलेगा। हम सीटों का नंबर नहीं गिन रहे हैं, बीजेपी ने तो हमेशा यहाँ नंबर गिना। मुझे आज भी 2014 का असेंबली का इलेक्शन याद है, 45 का उन्होंने उस वक्त आंकड़ा दिया था, पार्लियामेंट में 400 पार। ये बातें जो है बीजेपी की मुँह से शोभा नहीं देती, वो अपनी बात करें, हमें अपना करने दीजिए।